टाइमली हम लोग 3 मंथ्स 3 मंथ्स हम लोग इसका कमिटी हम लोग बैठ के डिस्कस करना है, ये कैसे काम चल रहा है। ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी फॉर्म करने का हम लोग का वो रीजनिंग तो यही है, हम लोग का इतना ही है। थैंक यू। प्रेजेंटेशन आपका है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बता। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर मैं संक्षेप में थोड़ा RDSS किया है, थोड़ा सा बता दूंगा। तो इसमें ओवरऑल हम स्टेप का ही लेंगे, थोड़ा दिखा के लास्ट में जाके पापुम परे में आ जाऊंगा। तो RDSS स्कीम मतलब ये है कि रिबंक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो इसमें रिबंक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये ही जाना जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे कि DDGO है आपका, सौभाग्य, देन RAPDRP, देन IPDS में जो भी रेजिडुअल रह गया और काम जो भी हुआ सही नहीं हुआ को सारा रिबंपिंग करके अभी करना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में ATNC एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस को रिड्यूस करना है ऑल इंडिया लेवल में। इसको नीचे एक्चुअली आइडिया था बिलो 15% लाने का, अभी हमारा पोजीशन तो ऐसा नहीं है, जो भी हो इसको रिड्यूस करने का है। देन वो रिड्यूस करने का साथ साथ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से हमें कंज्यूमर्स को रिलायबल पावर, अनइंटरप्टेड पावर, एफोर्डेबल पावर, क्वालिटी पावर हमको देना है। तो यही इसका प्रावधान है, प्रोविजन है, इसको करने का ये होता है। तो इसमें लिखा गया है कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंड ऑपरेशनली इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ऑफकोर्स ये तो कॉर्पोरेटाइज को ही बोलेंगे, हमारा तो डिपार्टमेंट है, व्हाट एवर में भी हमारा भी यही चलना है। नेक्स्ट, तो सर इसमें RDSS में 2 पार्ट में बताया गया है। पार्ट ए में लॉस रिडक्शन का है, लॉस रिडक्शन में मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, जैसे लॉस रिडक्शन के लिए इसमें सेक्शन ए में आता है आपका AMI एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हमें क्या करना है, तो कंज्यूमर्स को हम स्मार्ट मीटर प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमारा अभी जितना भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, तो इसको मोर स्मार्टर प्रीपेड मीटर हम कंज्यूमर्स को पूरा प्रोवाइड करेंगे। और BTs में हम कम्युनिकेबल जो स्मार्ट मीटर, जैसे हम रिमोट यहाँ से बैठ के डाटा एक्सेस करने वाला मीटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब में प्रोवाइड करेंगे, और फीडर मीटर्स में भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्मार्ट मीटर में तो बहुत प्रीपेड भी होगा, पोस्ट पेड भी होगा। देन नेक्स्ट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स, जो इसमें जो है हमारा जितना पुराना 11 KV लाइन्स है डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें रिबम्पिंग में सिर्फ 11 KV तक, LT से लेके 11 KV तक, 33 KV नहीं आता है। तो इसमें जितना भी हमारा डिलेपिडेट कंडीशन या जो खराब 11 KV लाइन है उसको भी रिबम्प करेंगे, और जहाँ में हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें भी हम SVDS का प्रावधान रखता है। इसमें ये SVDS बना के जहाँ में लूड सेंटर है, DT ट्रांसफार्मर, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर बैठा के उसमें केबल से डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नहीं होने के लिए। देन इसमें LTs भी आता है, न्यू DTs भी आता है। तो उसके साथ साथ में ये थर्ड सेक्शन में आपका IT आता है, IT OT। IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, OT माने ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। तो IT में यूनिफाइड बिलिंग पेमेंट एक्सेट्रा, इसमें जैसे सर अभी हम लोग का ऑनलाइन बिल सॉल्यूशन, बिलिंग पेमेंट वगैरह जो चल रहा है, ऑलरेडी हमारा स्कीम चल रहा है, इसको इंटीग्रेट करके सारा अरुणाचल में जहाँ जहाँ कर सकता है पूरा कर लेंगे। इसमें ऑफकोर्स हमारा ऑलरेडी 16 टाउन भी कर चुका है, उससे 8 टाउन तो आगे ऑलरेडी, अभी 9 टाउन ऑलरेडी चल रहा है। 16 टाउन जो IPDS का है वो भी अभी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स में हम लॉन्च करेंगे। ऐसे अनऑफिशियली चल रहा है ऑनलाइन बिलिंग और पेमेंट वगैरह। देन नेक्स्ट जो है पार्ट बी में आता है सर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑफकोर्स इसके लिए तो मिनिस्ट्री का अपना विंग है ट्रेनिंग देने का, तो गुवाहाटी में भी रीजनल ऑफिस है, वो हमको दो स्टेट में ट्रेनिंग दिलाएंगे। जहाँ इधर में ट्रेनिंग नहीं दे पाता आउटसाइड स्टेट, उनका मैनेजमेंट में होगा, हमारा भी ट्रेनिंग यूनिट अलग से है तो उसी से होगा। नेक्स्ट सर, अभी इसमें DPR कॉस्ट को हम थोड़ा डिटेल में
दिखाना चाहूँगा। तो इसमें तीन कंपोनेंट बेसिकली बनाया गया, इसमें मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देन IT/OT का। तो स्मार्ट मीटरिंग प्रोवाइड करने के लिए AMI मीन्स एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है पूरा अरुणाचल के लिए 182.53 करोड़ का है। लेकिन इसमें पूरा ध्यान से देखिएगा, स्टेट शेयर जो है बहुत ज़्यादा होगा, सेंट्रल शेयर बहुत कम है। तो इसमें यही रखा गया है कि इसमें सेंट्रल शेयर 22.5% ही हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देंगे, बाकी 77.5% हम स्टेट खुद बियर करना है। इसका एक्चुअली पंडा ये था कि इसमें जो भी सेंट्रल एलोकेशन है वो तो होगा, बाकी जो कॉस्ट है वो मीटर इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा रेवेन्यू से जो अर्निंग होगा उसमें रेवेन्यू अकाउंट से डायरेक्ट उनको ऑटो डेबिट सिस्टम अकाउंट करके उसको मंथली पेमेंट कुछ पार्ट जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको रिलीज करना है। लेकिन ये जो अप्लाई होगा आपका कॉरपोरेशन में जिसका ऑलरेडी कॉरपोरेटाइज हो गया, हमारा तो डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू अर्निंग जो भी होता है स्टेट एक्सचेंज में हम थ्रो ट्रेजरी डेबिट करता है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो हमारा जितना भी स्टेट शेयर बनता है 77.5% का 141.46 करोड़ का, ये स्टेट गवर्नमेंट हमको फंड देना पड़ेगा, कॉर्पस फंड या रिवॉल्विंग फंड एक अरेंज कर देना पड़ेगा। अदरवाइज हम ये उनको सर्विस प्रोवाइडर को से लेने के बाद हम देना पड़ जाएगा, वीकली पेनल्टी है इसमें पेमेंट रिलीज नहीं। देन नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा अभी जैसे बताया 11 kV LTDTs के लिए हम जो भी इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका है 766.45 करोड़। इसमें तो सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर नॉर्मल है, 90% एंड 10%, 90% सेंट्रल शेयर है, इसमें आता है 689.80 का करोड़ का सेंट्रल शेयर होगा, 76.65 करोड़ का स्टेट शेयर। देन उसके बाद में IT/OT में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें जैसे बिलिंग का ये ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम का सोल्यूशन का वही सेम चीज़ है, इसमें 21.73 करोड़ होगा, सेंट्रल शेयर 90% का 19.56 और स्टेट शेयर का 2.17 करोड़ का है। देन इसमें एक ओवरऑल में से PMA चार्जेस आता है, PMA का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। इसका काम है कि हमको DPR बना देना, टेंडर डॉक्यूमेंट बना देना, मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करा देना, उसका रोल होता है। तो PMA चार्जेस में है 12.85 करोड़ का है, इसका सेंट्रल शेयर होगा 90% 11.56 करोड़, स्टेट शेयर होगा 1.29 करोड़। तो PMA अभी हमारा टेंडर भी हो गया, अलॉटमेंट भी हो गया, REC कर रहा है रूरल इलेक्ट्रिकल को। ऊपर वाला था, एक बार और बता दो सर, ये स्मार्ट मीटरिंग। हाँ, तो स्मार्ट मीटरिंग में सर ये है टोटल हमारे अरुणाचल के लिए जो मीटर प्रोवाइड करने का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 182.53 करोड़ है। तो इसमें 182.53 करोड़ है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो है 22.5% ही होगा, 77.5% को स्टेट बियर करना होगा। तो ये उल्टा हो गया सर, इसमें पंडा ये है कि ये पूरा इसको मीटर प्रोवाइड करने का बाद ये लोग तो सर्विस प्रोवाइडर लोग तो अपना से बना के इन्वेस्ट करके सब कुछ करेगा, जब रेवेन्यू अर्निंग करना शुरू करेंगे रेवेन्यू अकाउंट से जो भी हमको रिटर्न आता है उनको सर्टेन परसेंटेज जो बिल का फॉर्म में जो हम पेमेंट देना है उनको ऑटो डेबिट करके हमारा रेवेन्यू अकाउंट से उनको देना है। लेकिन वो सिस्टम हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी रेवेन्यू अर्निंग है वो तो डायरेक्ट स्टेट एक्सचेंज ट्रेजरी में रिमिटेंस हो जाता है, तब तो हम खरीद लेता है। तो इसीलिए तो वो 141.46 करोड़ को स्टेट गवर्नमेंट बियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो AMI वाला को पॉसिबल तो कराना पड़ेगा जिस डिपार्टमेंट जब हम पानी लेके टेंडरिंग कर रहे हैं। नहीं, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हमको तो फंड देना पड़ेगा, तो वो तो कर ही लेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट फंड देगा अज्यूमिंग दैट दिस इज, ये तो ऑलरेडी सैंक्शन है, तो तो उसमें जो है स्मार्ट मीटरिंग का जो हम लोग काम एक्चुअली लॉस को जो हम रिडक्शन करके उसी लॉस में से कुछ पर्सन को उनको देना है। व्हाटएवर में रेवेन्यू अर्निंग से होगा तो वो तो हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वही है सर, हम लोग खरीद प्राइवेट हम लोग खरीद के तो डालते हैं।
देते हैं फ्री में नहीं देते हैं नहीं सर ये स्पेशल मीटर है स्मार्ट मीटर है स्मार्ट फ्री में लेगा अब ये अभी तो हम फ्री में देगा नहीं अभी हम खरीदने से तो कंज्यूमर को फ्री में तो देगा हाँ ये यहाँ से खरीदने से फ्री में देगा वही है देन सर लेकिन नहीं उसमें अभी भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें आप लोग का जो बैलून में जो आप लोग टेंडर करेगा उसको तो आप लोग छोटा छोटा करके तो टेंडर नहीं कर सकता है नहीं सर इसमें टेंडर वो भी हम बाद में आएंगे टेंडर ओवरऑल स्टेट का सिंगल पैकेज में होगा सी डी नोडल डिवीजन होगा सीईडी में टेंडर क्लोज होगा ये इसका मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग कंट्रोलिंग कमर्शियल जोन से होगा एक सिंगल टेंडर होगा होल अरुणाचल का तो उसी हिसाब से करके डिवीजन वाइज कितना रिक्वायरमेंट है उसी में देके इंस्टॉलेशन उसी हिसाब से करेंगे जैसे सर आईपीडीएस में इस सर्कल से हुआ था ना अरुणाचल का इसी तरह सिंगल जो टेंडर लेने वाला तो मैन्युफैक्चर को ही देना पड़ेगा हाँ मैन्युफैक्चरर इसमें जो भी जॉइंट वेंचर में आने से भी मैन्युफैक्चरर ही आएंगे ऐसे वेंडर से नहीं आएंगे वेंडर जो भी जॉइंट वेंचर में भी आएंगे वो मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा इसमें तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा क्लियर है जॉइंट वेंचर हो सकता है बट वो जॉइंट वेंचर भी मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा या तो ऐसा है जॉइंट वेंचर बोलने से दो दिन में लाएगा सर वो जॉइंट वेंचर नहीं होगा इसमें मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा सर इसमें तो देखा गया तो उसी फिर ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चर है वो काम तो लेगा लेकिन करेगा नहीं अरुणाचल वाला कोई बिक्री करता है मेन जो है आज जो जितना भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है हमको मालूम नहीं लेकिन हम लोग आदमी भी ज्यादा नहीं है हम लोग इसीलिए बीच में हम लोग टोकना पड़ रहा है बोलना पड़ रहा है तो इसमें कुछ कुछ हाँ हम लोग का प्रॉब्लम देखता है उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलना पड़ेगा माइनस में बेंगलोर का कोई ग्रुप लेता है कोई ऐसे ग्रुप बाहर का जो ग्रुप लेता है वो लेने का बात में उन लोग करता नहीं है अब उस चीज़ को पब्लिक समझता नहीं है और पब्लिक को जानकारी नहीं होता है तो ऊपर ऊपर में होता है जैसे अभी हम सामने में बोलता है जो त्रास आयु है उसमें सब बाहर से लिया तो उन लोग काम किया नहीं बिक्री करता है अभी जैसे कि पैकेज सी पैकेज बी रहता हूँ आप चेयर पार्टी क्यों रखा है बोलते हैं पैकेज सी पैकेज बी जो है असली बोलने से जो जो मेन कॉन्ट्रेक्टर जो है उनको टाइम नहीं दिया बोल के काम नहीं दिया मतलब जमीन नहीं दिया बोल के स्टेट गवर्नमेंट को 3% उनका जो जितना टेंडर है उस टेंडर का अमाउंट से मतलब हर महीना में मतलब 3% ऐड करके उनको पैसा देना है बोल के चिट्ठी जब लिखनी शुरू कर दिया तब तो जाकर सीएस ने रोतोतचे को हाथ पाको पकड़ के बुला के आपको ये कर देगा वो कर देगा आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बोल के उनको काम तो दिला दिया जबरदस्ती तो आप ऐसा है कि अभी जो पेमेंट जो काम इन्होंने किया अभी पेमेंट जो रिलीज करता है तो उनका अकाउंट में पैसा जाता है और पैसा जल्दी वापस नहीं आता है तो उसी में वो मार खाते रहेंगे लेकिन वो दूसरों को फिर बताने में शर्म लगता है तो हमको तो बोलने में कोई शर्म नहीं लगता है हम क्योंकि हम पॉलिटिशियन में हैं लीडर हैं हम जहाँ भी जो जरूरी पड़ता है तो बोलता है और यहाँ भी हमको इसीलिए लगता है कि अरुणाचल का जो कोई भी लड़का जो है कल जॉइन वेंचर में धूमधाम ले लेगा लेकिन वो मीटर भी आएगा तो क्या मीटर आएगा मालूम नहीं है अगर वो मैन्युफैक्चर अगर बनेगा तो क्योंकि आजकल सभी जो है डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट में जा रहा है पोस्ट देखने में पोल तो सेम है पाइप तो देखने में पाइप सेम है लेकिन उस पाइप में भी तो बहुत से गफला है अभी जैसे कि आप एक 1.5 इंची का पाइप खरीदने जाएगा एक पाइप है 750 एक पाइप जो है वही 1.5 इंची का पाइप है 250 रुपये में मिलता है पाइप भी सेम है अभी आप मार्किंग भी मिलेगी तो कल को ये जो है
कोई फिर ऐसे वाला लड़का लोग ले लेगा तो फिर वो मित्र जो है 2 दिन चलेगा 10 दिन चलेगा, कोई गारंटी नहीं। भारत सरकार का इसमें एक सबसे देखने में भारत सरकार का एक सबसे एक भारत सरकार स्कीम तो दिया स्टेट गवर्नमेंट को, पैसा तो दिया स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन सारा मनीतरी पीएमओ ऑफिस में करेगा वो तो सवाल तो नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं है। और इसीलिए इसमें ये जितना काम है वो सफलता में है, मतलब किसी के ऊपर में भरोसा नहीं किया तो इतना कहां से ऑल ओवर इंडिया का जो मंत्री क्या कर पाएगा। अभी जैसे कि हमारे ईटानगर का 1.5-2 लाख का पॉपुलेशन है और हमने कुपुम बड़े डिस्ट्रिक्ट का डीसी अलग कर दिया, अभी ईटानगर का डीसी सेपरेट कर दिया, तो अभी भी ये सकता नहीं कौन से कोना से कहां से क्या आ जाता है, कौन से कोना से क्या। ये तो आदमी है, आदमी को जब संभालने के लिए भारत सरकार वहां से वो जो है मॉनिटरी करता है, इसीलिए मैक्सिमम जो काम करने वाला भी अच्छा से नहीं कर पाता है क्योंकि टाइमली पेमेंट नहीं होता है, इंक्वायरी के ऊपर में इंक्वायरी, चेकिंग का ऊपर में चेकिंग। आप आगे बढ़िए, मेहनत नहीं करता सर। ये रहा इसका, और ये फिर ऑक्सिलरी में मैं आया था मीटर के लिए, मीटर को कनेक्शन करने के लिए हमें केबल चाहिए, देन WPTC चाहिए, तार चाहिए, देन प्रोटेक्शन के लिए हमको एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB बोलता है वो चाहिए, वो सब मिला के ऑक्सिलरीज होता है। तो ऑक्सिलरीज के लिए 129.31 करोड़ का है, लेकिन इसमें सेंट्रल एलोकेशन 0 होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट फुल बियर करता है। स्मार्ट मीटरिंग के लिए 101.67 का है, देन इसमें सेंट्रल शेयर होगा, आगे बताया उनका खाली 22.5%, तो इसलिए सेंट्रल शेयर होगा अराउंड 23 करोड़ का, देन स्टेट शेयर होगा 78.8 करोड़ का। देन ऑक्सिलरी में तो हमने इस बार 47% का रखा है, 61 करोड़ का पकड़ लीजिए, पूरा स्टेट शेयर होगा, स्टेट ही बिहार में सेंट्रल शेयर नहीं है, तो 61 है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे हमारा 11 kV लाइन, LP लाइन, DTs के लिए इस साल के लिए हम लोग 60% टारगेट रखा है ओवरऑल स्टेट के लिए, तो इसमें 460 करोड़ मान लीजिए, 459.87 करोड़ है, तो इसमें सेंट्रल शेयर आएगा 413.88 करोड़ और स्टेट शेयर आएगा 45.96 करोड़। देन नेक्स्ट में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बिलिंग सॉल्यूशन का, तो इसमें आएगा 21.73 करोड़, इसको तो इस साल ही इंप्लीमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से इसमें सेंट्रल शेयर आएगा 19.56 करोड़, स्टेट शेयर आता है 2.17 करोड़। और पीएमए चार्जेस का 12.85 करोड़ है टोटल, इस साल के लिए 5.37 का रखा है, इसमें सेंट्रल शेयर होगा 4.83 और स्टेट शेयर होगा 54 लैक्स। ओवरऑल में इस साल के लिए होगा जो टारगेट, इस साल में जो फाइनेंशियल टारगेट रखा है 650 करोड़ का है, देन इसमें सेंट्रल शेयर 461.14 करोड़ है और स्टेट शेयर होगा 188.42 करोड़। नेक्स्ट, तो अभी सर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में मैं मित्र को कॉमन है तो उधर छोड़ दिया, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लाइन DTs 11 kV लाइन्स SBDS जो बनाना है पापुमपारे का, अभी एक्सक्लूसिव हमने लाया पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा मीटर को छोड़ के PMA छोड़ के और ITOT छोड़ के हमारा टोटल कॉस्ट है 132.59 करोड़ है पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट हाँ पापुमपारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओनली LTHP का सिर्फ DTs के लिए। नेक्स्ट, तो पापुमपारे में तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन 2 DCA, एक ICR हो गया, एक आपका UPR हो गया, तो ICR रीजन में जो आता है हमारा कैपिटल इलेक्ट्रिकल डिवीजन ईटानगर है, तो इसका अंदर में ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 54.09 करोड़, ये हम मीटर को नहीं बता रहे LTHT का बता रहा हूँ,
देन और एक है निर्जली जो आईसीआर डीसी का अंदर में जो आता है, तो निर्जली इलेक्ट्रिकल डिवीजन का आता है 49.425 करोड़। तो दोनों कुल मिला के पप्पू आईसीआर का डिवीजन का अंदर में 103.53 करोड़ का है। देन उसके बाद यूपीएस ज्यूरिडिक्शन में, यूपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन में आता है आपका सागरी, सागरी में 8 करोड़ का है, 8.01 करोड़ है। देन यूपीआई के लिए 20.99 करोड़ है। तो कुल मिला के यूपीआई एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में 29.07 करोड़ है, टोटल में 132.60 करोड़ है ओवरऑल पपुम पर। तो यही है सर, इसका तो अभी हम सेंक्शन तो आ गया टेंडरिंग प्रोसेस के लिए, टेक्निकल सेंक्शन के लिए दीपिया हम लोग डिटेल एस्टिमेट ऑलरेडी अंडर प्रोसेस में है, तो टेंडर भी जल्दी प्लॉट करना है बोलते हैं, बाय जुलाई फर्स्ट क्वार्टर तक तो हम टेंडर भी प्लॉटिंग करने के लिए कर लेंगे जुलाई फर्स्ट तक। तो अभी टेंडरिंग पेपर्स वगैरह सारा हम लोग, मतलब आपका जो है अभी पोल और लाइन, जो पोल वगैरह जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह हो, पोल ट्रांसफार्मर कंडक्टर और लेकर मतलब वो भी क्या ईटानगर का ना हम अलग अलग करेगा ना एक साथ। हाँ सर, इसमें ऐसा है टेंडरिंग का, इस बार हमारा डिपार्टमेंट ने डिसीजन लेके गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है, डिवीजन सेंट्रिक टेंडर होगा। मन एक पैकेज अगर डिस्ट्रिक्ट का बनाने से कल को लिटिगेशन कुछ इशू होने से सारा सफर हो जाता है, तो एक एक पैकेज करेगा, नाहरलगुन का एक पैकेज करेगा, ईटानगर का एक पैकेज करेगा, सागाली का एक पैकेज करेगा, यूपीआ का एक, चार पैकेज होगा। लेकिन टेंडरिंग जो है सर्कुल लेवल में होगा, लेकिन कुलना भी अलग अलग से उसका ये कर देंगे। तो अदरवाइज सिंगल पैकेज में सर्कुल का यदि बना देता है कुछ लिटिगेशन इशू आने से सब सफर हो जाता है, तो उसमें डिवीजन सेंट्रिक उसका टेंडर अलग अलग से करेंगे। सर ओवरऑल तो इतना ही है, आप डिवीजन डिवीजन वाइज डिटेल बताना है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मतलब पर स्टेज में आपका मीटर का कोई उले है नहीं है ना? नहीं, पर मीटर होगा लेकिन मीटर का सेंट्रलाइज अभी जो है इसी टेंडर में, तो मीटर का तो कोई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो टेंडर करेंगे उसमें मीटर नहीं, मीटर का अलग से टेंडर होगा। मीटर का ये कैपिटल इलेक्ट्रिक डिवीजन करेगा सारा और नेचुरल का, लेकिन उसमें फिर साइमल्टेनियसली चलेगा, दोनों चलेगा, वो भी चलेगा, आईटीओटी भी यही करेंगे, तो बात में करने से ठीक है। ये जैसे रेडी, जैसे ये जो है रेडी होने का आसपास में काम मतलब एकदम बराबर का चल रहा है, उस समय में टेंडर करना चाहिए। क्यों बोलने से है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बांध का भी बात है, तो बांध का भी बात है, क्योंकि इतना पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट इधर भी शेयर करेगा उधर भी शेयर करेगा, लेकिन उसका बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मेरा हिसाब में इसको जैसे जैसे काम जब खत्म होने जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट का उस हिसाब में फर्स्ट फेज सेकेंड फेज करके टेंडर को जो है कर देने से ठीक है सर। लेकिन ये सेंटर का गाइडलाइन है कि मीटरिंग ही एक्चुअली आगे होना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर वही कंज्यूमर होगा, हम नया बनाओ लाइन को, नया भी बनाओ अपग्रेडेशन भी करो, कंज्यूमर तो वही कंज्यूमर होगा, उसी का मीटर होगा। वो तो उसको समझाना पड़ेगा, जैसे आप लोग सीनियर ऑफिसर है, आप लोग जो दिल्ली से जो आता है और क्रॉस कंट्री में, आप लोग अच्छा से समझाना पड़ेगा। हम शादी करने से पहले, फिर सुहागरात बनाने से पहले हमारा शादी करेगा तो पक्का बेटी होगा बोल के, हम दुकान से तो बेटी का कपड़ा किन के रखना, मेरा बेटा ही होगा बोल के बेटा का कपड़ा किन के रखना, जीन किन के रखना, वो तो गलत होगा ना। तो कुछ कुछ चीज़ जो है हमारा जो ऑलरेडी जो आज जो चल रहा है उसमें लगाना है तो बात अलग है। अभी जो नया हमको जो आपने भारत सरकार ने उसमें ये बता रहा है, उसी में अगर करने के जाने से कम हमारा जो स्टेट का इस्तेकार को भी तो देखना पड़ेगा। सर का जो पॉइंट है मतलब उसको समझाना पड़ेगा, मीटरिंग जो है जो इम्पैक्ट करने के बाद ये मीटरिंग डालेगा,
तो ऐसा होने से मीटरिंग को धीरे करने से। लेकिन सर इसमें जो आप सेकंड पॉइंट ने बोला है ये एक्चुअली आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते रहो, एक्सिस्टिंग मीटर को जितना मीटर उसको कन्वर्सन करते जाना, ये इस वर्क से रिलेटेड भी है रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली दोनों से हमेशा भी चल सकता है। एग्जिस्टिंग मीटर को ही करना है, स्मार्ट मीटर लगाएगा, स्मार्ट मीटर है, और जितना मीटर है पोस्ट पेड भी नहीं होगा। कॉम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बार बार गाइडलाइन आ रहा है कि स्मार्ट प्री पेड, कोई पोस्ट पेड मीटर रहना नहीं है, तो स्मार्ट प्री पेड स्मार्ट मीटर उन्होंने दे रहा है तो कम से कम, और तो आप पैसा ज्यादा देने से ठीक है ना, उसमें तो कम से कम और सिर्फ 22-24% सिर्फ 22% देगा सारा, तो लूट हम लोग को भुकना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भुकना है ये सर। इसीलिए हर स्टेट ये चीज को बहुत ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे आप बोला वाला डायरेक्टली उनका डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को से देता ही नहीं है, जो है रूल है गाइडलाइन है उस हिसाब से। लेकिन सर इसमें तो स्टेट का कुछ रूल को ऐसा इशू है बोल के हाईएस्ट लेवल में टेकअप करने से देर इज ए फ्री स्कोप, कभी 100% नहीं होगा बोला वाला, कभी कभी लून लून को भी ग्राम में स्मार्ट सिटी में भी था तो स्मार्ट सिटी में भी 50-50 था, तो हम लोग का जो बाद में हम लोग ने बार बार बोलने का बाद सीएम साहब ने दिल्ली में प्रोसेस किया, लास्ट में वो 90-40 में चला गया, आपका 90-10 में चला गया। सर वो तो आप लोग एक हाईएस्ट लेवल से टेकअप करने से तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मान भी जाएंगे, ये हम लोग को तो इम्पोज करता है, हम तो फीडबैक ही दे सकता है, तो ये सर हाईएस्ट लेवल में टेकअप करने से डेफिनेटली स्पेशल कैटेगरी स्टेट के हिसाब से मान भी जाएंगे। चलो तब तो सर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल एमएलए आकाशो सर, रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर सर, माय सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, माय कॉलीग जानते हैं, तो मेरा ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का मीनिंग यही समझ में आया है कि इथान और अंदर में मेजर एक्टिविटी क्या हो रहा है, क्या क्या सीईडी कर रहा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जस्ट स्लाइड थोड़ा सा 2-3 स्लाइड प्रिपेयर किया है, और उसमें आरडीएसएस भी इंक्लूड है, तो ये मेजर अचीवमेंट्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन जो है, एक है हम लोग का इसीलिए कि हम लोग देखा है तो ऑनरेबल मिनिस्टर भी है तो ये भी है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर अचीवमेंट इथानॉल ने क्या किया, ये तो स्मार्ट लाइट का ये अभी तक जो हम लोग बनाया है इथानॉल का अंदर में इतना नंबर, तावन का अंदर में इतना, सरपा नामसाई चालना ये है, तो ये जो इसका जो है ये हमारा डीसी साहब को और एमएलए साहब को और हमारा से ये जो जितना स्मार्ट लाइट है ये इसमें हम लोग जो है सेंट्रली कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम किया है, जो सिंगल मोबाइल ऐप से आप कहीं में भी करो, उधर में करने से आपको नाहौलन बाद में डालेगा तो नाहौलन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी मोबाइल ऐप में जाएगा, यू विल बी द एडमिन, आपका एई लोग जेई लोग जो मॉनिटरिंग का आप देख सकता है, तो जैसे तवांग में करेगा तवांग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो एडमिन होगा, उनको ओपन वो भी कर सकता है, साथ में अपना एरिया का देख सकता है, कहीं में भी डालेगा, तो ये सिंगल मोबाइल ऐप्स हमने डेवलप किया हुआ है, तो ये जो है एक्चुअली रिपीटेडली जो कॉस्ट आता है जो स्मार्टनेस में, तो इसमें इसको उसी के लिए एक्चुअली कन्वीनियंट के लिए क्या, अदरवाइज स्मार्ट का नाम से हर जगह इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो ये एक है, तो उसमें कोई भी आदमी डाल करके इसको एक्सेस करके कर सकता, इम्प्लीमेंटेशन सीईडी करना है बोल के भी नहीं, एनईडी करेगा तो आप उसी सिस्टम में कंपैटिबल वाला आप कर लीजिए, लेकिन उसी सिस्टम में यूज करें आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, लेकिन ये एक है, तो इसीलिए इसी का ही सिस्टम है स्मार्ट लाइट जो एक अभी नामसाई भी जला दिया है, ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, सपा भी कंप्लीट है, तवांग भी जला टेस्टिंग किया हुआ है, चांगलांग में काम थोड़ा सा ये था वो उन लोग फाउंडेशन गलत था उसको हमें पूरा रिपीट करा दिया, सपा और ये थोड़ा फिनिशिंग था इसको ऑफिशियली लॉन्च हो। नेक्स्ट स्लाइड, ये एक है उसी का भी पार्ट में जो अभी सार ने बताया है, अभी ये भी ऑनलाइन बिलिंग पेमेंट जो जितना किया है ये भी सिर्फ इथानॉल का नहीं कर रहा है, ये सीईडी जो हमारा है हम जो कर रहा है पूरा अरुणाचल के लिए कर रहा है, तो इसमें अभी जो जितना पावर डिपार्टमेंट में बिलिंग ऑनलाइन बिलिंग पेमेंट सिस्टम जो हो रहा है वो मोबाइल ऐप सिंगल ऐप से, और उसी से ऑनलाइन बिलिंग भी उसी का हम लोग बिलिंग सोल्यूशन जो डेवलप किया हुआ है,
जो अभी ऑनलाइन बिलिंग जो सॉल्यूशन डेवलप किया है, ये जो अभी स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ट पोस्ट पेड का ऑलरेडी टेस्टिंग है, ये कॉम्पिटेबल है RDSS का, अगर वो जो स्मार्ट मीटर के हो जाता तो उसी बिलिंग सॉल्यूशन में इंटीग्रेट होगा। तो इसका मतलब हम लोग रेडी है वो स्मार्ट मीटर लगाने के सॉल्यूशन, बिलिंग सॉल्यूशन। और ये जो रोबोट इतना रोबोट है कि सिस्टम जो है कि बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली है, और ये जो ऑपरेशनल मतलब हमारा ऑफिसर के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली वे में डेवलप किया है, लेकिन इसको बाद में सब यूटिलाइज करेगा तो उनका फीडबैक, उनका सजेशन इम्प्रूवमेंट होता होते जाएगा। तो ये ऑनलाइन बिलिंग पेमेंट भी जो कैपिटल इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने पूरा अरुणाचल के लिए बनाया, अभी जो शुरू में हम लोग जो है ये 9 RPGs आलो दापोरिजो इटानगर नाहरलगुन नामसाई पासीघाट, ये तो हम लोग लास्ट 2 ईयर से हम लोग करके जो एक कोविड समय में हम लोग लॉन्च किया था। इसमें जो है सारा टाउन में इटानगर नाहरलगुन में प्रीपेड, अभी स्टैंड अलोन प्रीपेड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये है। उसके बाद में IPDS पेज 2 में ये भी एक्चुअली हम मेरा इनिशिएटिव से ये कर दिया, अब ये 16 टाउन बासार बोलेंग बोंदिला चांगलांग देवमाली डीरंग जयरामपुर कोंसा कोलोरियांग लोंगडिंग मेयो सेगाली तवांग गिनक्योंग हवाई आनी में, तो ये भी एक्चुअली ऑनलाइन बिलिंग और पेमेंट अभी सब एक्टिवेट है। अभी ये सब ऑनलाइन बिलिंग भी हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली जैसे साल वाला लॉन्च नहीं किया। तो ये भी अभी हम लोग का ओवरऑल में हमारा टोटल 25 टाउन्स ऑनलाइन बिलिंग है। अभी हम लोग का ये जो IT OT वाला रिलेटेड भी है जो ऑनलाइन बिलिंग, उसी में भी IT OT में घुसता है। तो अभी हम लोग का CD जो हम लोग वही प्लान कर रहा है कि वर्कआउट कर रहा है कि सारा अरुणाचल को ऑनलाइन बिलिंग में, ऑनलाइन पेमेंट में, उसी में ऑनबोर्डिंग करने के लिए नेक्स्ट पेज में हम लोग को ये रोल आउट करने के लिए प्लान बना हुआ है। तो ये एक था, ये इसी का कंटिन्यूशन है। इसमें तो आप लोग को पता है डिजिटल हम लोग 25 टाउन्स का है, ये सब SMS सर्विसेज है, ई बिलिंग है, सेंट्रलाइज कस्टमर केयर सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर भी हम लोग का सेंटर सारा स्टेट के लिए यही में हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम बना, उसमें कोई भी पावर सप्लाई इशू, आपका बिलिंग इशू, कोई एनी कंप्लेन, इसमें हम लोग इसी सिस्टम में डाल के रखें और सारा अरुणाचल का यही बनाया। लेकिन सारा अभी कोई कोई अभी यूज होता है, लेकिन अभी तक मोस्टली बिलिंग के लिए है। और मोबाइल बिलिंग पेमेंट ऐप जो है अभी एक हम यूज कर रहा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है बोल के नया अभी जस्ट कॉम्प्लीशन हो रहा है नया मोबाइल ऐप से बिलिंग सॉरी ये मोबाइल बिल पेमेंट है। और ये सब बाकी हमारा इसमें इसमें सर को अभी हम वही है, हमने CD में बैठ करके जो फेसबुक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पावर का जो फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है वो अच्छा खासा चल रहा है, और ट्विटर में भी इंस्टाग्राम में भी हम लोग फुल्ली एक्टिवेटेड है और मोस्टली हमें रेस्पॉन्स आता है। इसको अभी ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, पूरा यूज आता है, हर जगह से आता है, लेकिन अभी हर डिवीजन को इसको एक्वेंटेंस करा करके उसको एक्टिवेट करके ताकि हमें पब्लिक जो सर्विस का जो इस कन्वीनियंस और जो हमारा अवेयरनेस वगैरह डिपार्टमेंट कर रही है जिसका अभी कर रहा है। और ये है सर, ये RDSS का सर से RDSS इतना आदरण है। इसमें सर का हमें थोड़ा डिबेट हुआ है, पता नहीं उसको डिबेट को हम चेक करेंगे। तो हमारा CED में जो RDSS में इसमें जो है IT OT है ये है उसका, और HBDS में जो है ये जो LTSD लाइन में यहाँ पे एस्टेट में पूरा दिया हुआ है। तो इसका कॉस्ट साइट ये वाला कॉस्ट इंक्लूड नहीं है क्या अभी जो हम लोग का सेंसर नहीं आया नेक्स्ट पेज इसीलिए इसका पैसा 85 आ रहा है। तो अदरवाइज हमारा ये तो सार का तारक 20 75 माइनस 21 वही 54 आ रहा है। हाँ ये है सर इतना उनका पोर्शन। नेक्स्ट क्या नाम, और ये है अभी IT OT का जो हमारा है बिलिंग अपग्रेडेशन प्रेजेंट सिस्टम को जो यहाँ अपग्रेडेशन के लिए ये 6.73 करोड़ है। ERP का अंदर में ये वेरियस कंपोनेंट है, मेटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सॉफ्टवेयर हमें अभी उसको टेंडर करके कराना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंट सिस्टम में आया है, तो ये इसको लेके तो 31.8 बाइफरकेशन वही है क्या नेक्स्ट हो गया। और ये CED का अंदर जो मीटर का कंपोनेंट यही है स्मार्ट मीटर का, टोटल सिंगल पेज इतना, पोस्ट पेज इतना, LTCT ऑपरेटेड LTCT ऑपरेटेड स्मार्ट मीटर ये हमारा जो अभी तक दिया हुआ है तो ये है हमारा CED का हो गया क्या। हाँ हाँ यही है।
दे दिया में नहीं दिया कैसे बनाता है लाद में एग्जीक्यूशन हम लोग का लोकल को दे देता है उसमें भी सर परफॉर्मेंस तो इशू आता है वो ये हमारा नाहरलगुन का ये थोड़ा पावर सीनरी एक्चुअली हमने ये बनाया था इसके लिए हमारा अगर रिजू साहब आता तो अच्छा से जानकारी हो सोच के नाहरलगुन रिजुली का हालत को बहुत दिन से पावर सप्लाई प्रॉब्लम हो रहा है नाहरलगुन क्या कारण है उसको बोलने से पहले एक बार बताओ ना सर अभी प्रेजेंटली यहाँ सर पिक्चर हम दिखा देंगे वो देखने के बाद और क्लियर हो जाए अच्छा तभी बताया ये हमारा नाहरलगुन और ये निर्जुली साइड है इसका ये पापो यहाँ तक हमारा ग्राउंड यहाँ से लेके हमारा है ये इटानल पार्क हो गया तो ये हमारा नाहरलगुन एंड निर्जुली एरिया को जस्ट मैप दिखाया नेक्स्ट तो ये हमारा ये नाहरलगुन का ये पावर कनेक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा है ये हमारा लेखी 132/33 केवी सब स्टेशन है ये हमारा पारे लाइन आ रहा है हमारा एसएमएस जो लेखी में है जो फैक्ट्री है वहाँ में 132 को लाइन को जो आ रहा है 33 में स्टेप डाउन हो गया यहाँ में तो यहाँ से हमने 133 हमारा आके नाहरलगुन में आ रहा है 33 केवी लाइन यहाँ पे 33 को 11 में स्टेप डाउन कर दिया तो यहाँ से हमारा ये टोटल 8 फीडर निकल रहा है यहाँ से एक हो गया डी पिलर जो डी सेक्टर तरफ जाता है नाहरलगुन और इनर सी पिलर जो ए सेक्टर तरफ जाता है मोरे विलेज तक और ये पापू पिलर पापू नाला और ये ट्रिम्स के लिए एक निकलता है वहाँ से और इनर सी पिलर ये डबल दे दिया इनर सी पिलर ये पुलिस पिलर होना चाहिए ये पुलिस पिलर है पुलिस कॉलोनी के लिए और उसके बाद पोलो कॉलोनी के लिए पोलो पिलर और बोरुंग पिलर एक तो है हमारा अभी जो बनाने जा रहा है उसको और ये सी सेक्टर पिलर यहाँ से हमारा 8 पिलर निकल रहा है नाहरलगुन से और यहाँ में यहाँ ये यहाँ से आता है यहाँ में हमारा 120 MVA का ट्रांसफॉर्मर है लेखी में तो यहाँ में से 20 में से 14 अभी पावर सीनरी का यही अभी हमारा प्रॉब्लम जो हो रहा है लोड शेडिंग जो चल रहा है नाहरलगुन का हालत यहाँ में 20 MVA ट्रांसफॉर्मर पावर MVA का पावर ट्रांसफॉर्मर है तो इसी में से हमको 14 मिल रहा है ओनली 14 मेगावाट 20 में से और यहाँ में से जो 4 मेगावाट इनको दे रहा है यूपिया को यहाँ से यूपिया भी जा रहा है ये यूपिया का जो लाइन जो है यूपिया में जाके उसके बाद किमिन जाता है फिर डोलोमुख तक जाता है फिर यूपिया से सगाली जाता है पाके केसंग तक जाता है तो उसके बाद ये यूपिया से बुरुंग साइड तरफ पूरा दे रहा है सोत बस्ती सोत तो हमारा नाहरलगुन से दे रहा है बुरुंग बस्ती तक हमारा यूपिया से दे रहा है तो ये लाइन यहाँ से जाके यहाँ तक ये इधर से मिलता है वो एरिया तो ये हमारा नाहरलगुन से 8 फीडर ये निकलता है तो अभी क्या हो गया ये 14 MVA 14 मेगावाट हमको मिलने के वजह से हमारा रिक्वायरमेंट है 20 मेगावाट तो हमको 14 मिल रहा है तो इसलिए हम लोड शेडिंग करना पड़ रहा है अभी तो प्रेजेंटली अभी एक हमारा एक सिचुएशन हम लोग का ऐसा बनाया अभी शायद आज या कल हम लोग चार्ज कर देंगे ये निर्जुली PGCL जो है पावर ग्रिड का वहाँ में हमारा 50 MVA का दो तो है मतलब 100 MVA का कैपेसिटी है तो उसमें से पावर ग्रो कर रहा है ये हो गया नाहरलगुन का निर्जुली ये है हमारा अच्छा ये इसको नाहरलगुन पार्ट को क्लियर कर देता हूँ तो नाहरलगुन में हमारा एक और एक ये है सब स्टेशन आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव में कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर में हमारा ये यूपिया में 132 KV सब स्टेशन जो कॉम्प्रिहेंसिव में बन रहा है यहाँ में ये पावर आ रहा है हमारा गेरेखामुख वो जो लोअर तो NHPC वाला प्रोजेक्ट वहाँ से आ रहा है यहाँ यूपिया में यहाँ से जा रहा है फिर सगाली जा रहा है सगाली होके फिर उधर सपा निकल के उधर खुफी तरफ लिंक हो जाएगा बाद में यहाँ से एक 132 के बिलाइन सगाली तरफ जा रहा है गेरेखामुख से यहाँ आ रहा है फिर इसी से स्टेप डाउन होके 132 को 33 स्टेप डाउन होके हमारा नाहरलगुन पापू में आ रहा है पापू विलेज 2 बोलते हैं उसमें हमारा बन रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च में चार्ज करने का बात था पावर ग्रिड कंस्ट्रक्ट कर रहा है इसको तो इसी में से हमारा 4 फीडर निकलेगा पापू नाला में पचन कॉलोनी का सामने में पापू विलेज 2 में बन रहा है ये वाला सब स्टेशन उसमें से 4 निकलेगा तो पापू नाला
पश्चिम कॉलोनी और ये हमारा पापू, ये पापू में दो फीडर बन जाएगा रोड को उस पार इस पार। तो ऐसा करने से अगर कल को आ जाने से कम चार्ज हो जाने से अभी जो हमारा बैक ये तो आपका फ्यूचरिस्टिक हो रहा है ना। हाँ, इसमें तो इसमें जो अभी जितना फीडर है यहाँ में से हमारा कुछ फीडर आउट हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएगा, लोड फ्री हो जाएगा, तो हमारा लोड सेटिंग का कोई इशू भी नहीं होगा। ये कब तक होगा ये? अभी एक्चुअली मार्च 31 तक पावर ग्रिड टाइम दिया था। टाइम देने तो आप स्ट्रीम तो बनाया नहीं है ना? नहीं, इन लोग का अभी स्ट्रीम नहीं बना, इसके वजह से तो अभी तक इन लोग ऐसे ही मतलब रेडी करके रखा हुआ है। अभी जो है साल अभी जो है प्रॉब्लम मिटिगेट करने के लिए आपका क्या है? अभी इसी में आ रहा है नेक्स्ट। तो अभी हमारा मेन अभी हम लोग का एक प्रॉब्लम जो नाहलन में जो पावर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का इसी के थ्रू हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है निर्जुली का वो पावर ग्रिड का सब स्टेशन। ये सब स्टेशन आ रहा है गोपुर असम से 132 आ रहा है निर्जुली में। तो यहाँ से 33 में स्टेप डाउन दो फीडर निकल रहा है, एक जा रहा है बांडरडोआ को पीर कर रहा है ये निर्जुली पावर ग्रिड से, फिर एक आ रहा है निर्जुली हमारा सब स्टेशन। निर्जुली सब स्टेशन में हमारा 33 को 11 में स्टेप डाउन करके यहाँ 7 फीडर है टोटल। एक दे रहा है लेखी फीडर जा रहा है, एक नेरिस का एक फीडर है और एक निर्जुली इटसेल्फ का एक फीडर है। उसके बाद नेफा एक वो फैक्ट्री जो तुकी साहब का वो इनू का शायद वो फैक्ट्री है क्या, उसका बियर फैक्ट्री, उसके एक फीडर है। दोईमुख का एक फीडर है, दोईमुख को निर्जुली से दे रहा है। आईओसी दोईमुख का उसको निर्जुली से दे रहा है। फिर अपर दोईमुख जो कोला कैम्प छाइट का उधर से निर्जुली से दे रहा है। ऐसा 7 फीडर यहाँ से निकल रहा है। तो अभी जब हमारा 132 जो सब स्टेशन पावर ग्रिड में हमारा 50 MVA का दो तो है, उसमें से सिर्फ ये दोनों ले रहा है, तो बाकी हमारा पावर ऐसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारा ये निर्जुली पावर ग्रिड से हमारा ईटानगर ले जा रहा था पंचाली तक लाइन अभी तक है, लेकिन वो एवरनन अभी जस्ट चार्ज नहीं करके रखा हुआ है। तो अभी हमने किया लास्ट ईयर में ये लाइन को निर्जुली से लेके लेखी SMS फैक्ट्री तक हम 33 ड्रॉ करके UPI को अभी देने जा रहा है। तो वो लाइन को यहाँ SMS में टर्मिनेट कर देगा ईटानगर के लिए। तो हम यहाँ से लेके डायरेक्ट लिंक करके अभी जो एग्जिस्टिंग ये UPI को जो दे रहा है वहाँ हम लिंक कर देगा। UPI विल ड्रॉ पावर फ्रॉम PGCIL निर्जुली। तब ये 20 MVA जो हमारा लेखी में जो था वो फ्री हो जाता है। फुल 20 MVA को हम UPI में तो पोर का गया था ना। हाँ, पोर का गया, पोर ही मिलेगा, पोर पाइप जितना भी ले सकता है क्योंकि हमारा कैपेसिटी है यहाँ में निर्जुली में हमारा 50 MVA का कैपेसिटी है। तो उनका रिक्वायरमेंट अगर 10 होने से भी कोई इशू नहीं है, UPI वाला ड्रॉ कर सकता है। तब फ्री जब हो रहा है 20 MVA हम नहालन फुल्ली यूज कर सकते हैं। तो कब तक होगा ये? तो ये अभी हम ये हमारा लाइन चेकिंग हो गया, मेगा चेकिंग हो गया, आज इंस्पेक्शन कॉल करने जा रहा है मैं। हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आके इसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद सर्टिफाई कर देगा हम लोग लाइन चार्ज कर देंगे। तो वो प्रोसेस आज हो जाने से कल हम लोग लाइन चार्ज कर देगा, UPI को आइसोलेट कर देगा। तो हम लोग नहालू में कोई इशू नहीं होगा, इसलिए लोड शेडिंग काफ़ी चलता है। नाहरलगन में पप्पू नाला ज़्यादा हला करता है। पप्पू नाला सर उसका लोड है 5 MVA का मेगावाट का लोड है, काफ़ी लोड है, हाईएस्ट लोड उधर में है। अभी हाईवे का वजह से हम इधर सेग्रेशन भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बोथ साइड को अलग अलग देना चाहिए था रोड का बोथ साइड, तो इस वो भी नहीं कर पाया। हाईवे अगर पुल्ली बन जाने से हम सेग्रेट कर देगा तो कोई इशू होगा नहीं। जब तक हाईवे नहीं बनेगा हम लोग मतलब वो स्लो हो जाएगा। तो अभी हम लोग का वही दी डिस्ट्रिक्ट जैसा मैंने कहा कन्वेनर में ही हूँ, आप मेंबर सेक्रेटरी हो तो हम दोनों का ड्यूटी बनता है, रेस्पॉन्सिबल बनता है मीटिंग टाइम एंड अगेन कॉन्डक्ट करने का। तो अभी हम लोग का DEC मीटिंग का मेन मोटो तो RDSS है, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि DDU IPDS और ये क्या बोलते हैं सौभाग्य इतना स्कीम देगा, काफ़ी कॉम्प्लेन आया बोल के, इसलिए ये DEC बनाने का रीजन बना, ये गवर्नमेंट का वो पॉलिसी रहा। तो इसलिए मतलब RDSS पर
बेस करके हम लोग यदि इसी बना तो आरडीसी का अभी हमारा नाहरलगुन में क्या ये प्लान है उसको हम थोड़ा बता दें। तो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन हमारा करना है 11 केवी लाइन हमारा 40.05 किलोमीटर हमको कंस्ट्रक्ट करना है ये आरडीएसएस के अंदर। और ये ट्रांसफार्मर हमारा टोटल है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 41 नंबर से है और एलटी लाइन हमारा 16.2 किलोमीटर का है। इंटरवल कितना होता है कितना इंटरवल में आप करते हैं ये 40.06 लाइन जाएगा? ये हर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जैसे नाहरलगुन और निर्जुली ये कंबाइन करके हमने बता रहा हूँ टोटल वो लाइन लेंथ को इतना लाइन लेंथ का निर्जुली का भी है और ये कंबाइन करके कहीं कहीं मतलब रीबम्प मतलब आपको तो पूरा कोई चेंज नहीं करना है? पूरा नहीं करेंगे जहाँ में हम लोग चेंज करना है जैसा वो एक्सटेंड करना है जो लो वोल्टेज एरिया मतलब लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग उसमें बनाना है हाई वोल्टेज उसको करना है हाई वोल्टेज जो लो वोल्टेज उसको हाई वोल्टेज करना है तो ट्रांसफार्मर बैठाएंगे तो हाई वोल्टेज हो जाएगा नहीं तो लंबा खींचा वाला भी है ट्रांसफार्मर बैठा देंगे उधर तो इसके लिए इम्प्रोवाइजेशन के लिए है ये हमारा एक्टिविटीज होगा। उसके बाद 11 केवी लाइन हमारा कॉम्प्रिहेंसिव में अभी डाउन स्ट्रीम अभी जो यूपीआई से जो 132 केवी लाइन आएगा पोपू विलेज 2 में तो वहां में से 11 केवी निकलेगा तो 11 केवी उसमें हमारा प्रोविजन आरडीएसएस में डाला है 3 किलोमीटर उसमें 4 वो पिलर निकलेगा उसके लिए हमने लिंक एग्जिस्टिंग में लिंक करने के लिए 3 किलोमीटर का हम प्रोविजन रखा है। उसके बाद केबलिंग हमको करना है जैसा अभी कोई कोई जगह में हाई स्ट्रक्चर है बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसमें हम केबलिंग सिस्टम करने जा रहे हैं इसको और ये एलटी में भी हमको ये केबल जहाँ जहाँ मतलब बिल्डिंग सामने है उसमें और ये इसे चोरी नहीं होगा कोई टेपिंग नहीं कर पाएगा केबल हो जाएगा तो कोई हुकिंग नहीं होगा उसके लिए ये सब हम केबल सिस्टम कर रहे हैं। आपका भी वही है? हाँ ये प्रोविंस है इसीलिए आपने एक शीट में पूरा दिखा दिया। तो हमारा मॉडर्नाइजेशन पार्ट ये तो हमारा नेक्स्ट पेज में होगा अभी फर्स्ट पेज वो करेगा और ये सेकंड पेज सेकंड पेज का बता देता हूँ वैसे ये सेकंड पेज में हम लोग का आरडीएसएस जब पान एलोकेशन होगा सेंशन होगा तब वो ये इसमें न्यू पावर सबस्टेशन हमारा एक है तो ये हमारा गुरु में बनाने जा रहा है तो गुरु में बनाने से उधर एरिया अभी लोड बढ़ रहा है और इसके बाद गुरुम कोई भी एक लोकेशन में अभी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं किया जब पान आ जाएगा उसमें आइडेंटिफाई करके सब स्टेशन एक ये 3.15 MVA का 2 वही देगा तो गुरुम को देगा या रेलवे को भी दे सकता है और नदी क्रॉस करके हमारा हेलीपैड एरिया को उसको भी कवर कर सकता है इधर तो ये हम एक हमारा प्रोविजन है पावर ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन का गुरुम में। उसके बाद ऑगमेंटेशन ऑफ पावर ये सब स्टेशन ये पावर सब स्टेशन हमारा जैसा अभी 5 MVA है एक 5 MVA उसको जैसा न्यूजुली में अभी हमारा 3 पावर ट्रांसफार्मर है 5 MVA का तो और एक चाहिए मतलब इसके लिए हमने ये 2 हमारा प्रोविजन रखा हुआ है उसको ऑगमेंट करना है थोड़ा अपग्रेड करना है। उसके बाद 33 KV लाइन उसका बे बनाना है हमको 33 KV लाइन हमारा 3 होगा 33 KV लाइन 15 किलोमीटर बे कैसे बनता है बे मतलब जब से हमारा 33 KV वो है उसमें से वो 33 KV लेके आना है उसके लिए बे हमारा एक कॉरिडोर स्ट्रक्चर में कॉरिडोर एक बना देना बे मतलब कॉरिडोर इनकमिंग आके या मेन आके फिर लायर करके तो यहाँ से आप एक कॉरिडोर बना के हम लोग उधर से वो कॉरिडोर से ही जा पाएगा उसका बे बना देना पड़ेगा तो ऑगमेंटेशन 11 KV लाइन 84 किलोमीटर का ऑगमेंटेशन में भी है इतना ही हमारा वो नाहरलगुन का ये आरडीएसएस का और पावर सिनेरियो। अमाउंट कितना था टोटल सेम ना आपने जो रखा है सेम हमारा नाहरलगुन का 49.425 फोर टू फाइव पर इस बार फर्स्ट पेज में टोटल मिलाकर के वही है वो तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर का और टैंकी का